तो जनाब साथ ही एक जॉब भी आ गई है। चार मिनट में उस कस्टमर के पास पहुंचूंगा और उससे पहले पहले मैं अपनी बातें ख़त्म कर दूंगा। अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक जनाब। बहुत अरसे के बाद ही वीडियो बना रहा क्योंकि जनाब आपको पता होगा शायद कि मैं गया होता पाकिस्तान से आए हुए अभी तकरीबन एक हफ़्ता दस दिन हो गए हैं और दोबारा हाज़िर हो गया हूं। और अब आज हम बात करेंगे कि काम शाम के बारे में, प्लस दूसरी बात करेंगे कि माहौल कैसा जा रहा है, और हम अपनी गाड़ी टेस्ला के बारे में बात करेंगे, जो चार्जिंग पॉइंट्स ये वो। तो जनाब अभी मैं चार्जिंग लगाई हुई है, स्लो ही लगाई हुई है और 4:40 हो गए हैं मॉर्निंग के। अभी मैं इसको करूँगा बंद और जाऊँगा घर, ठीक है। कल शाम 4-5 बजे का निकला, अभी सुबह 4-5 हो गए हैं। तो जनाब बात शुरू करने से पहले करते हैं इसको चार्जिंग को अनप्लग करते हैं और चलते हैं घर को, साथ में थोड़ी थोड़ी बात भी करते हैं। तो जनाब साथ ही एक जॉब भी आ गई है जो कि मैं तो जल्दी से निकालते हैं इसको चार्जिंग केबल और उसके बाद चलते हैं जनाब जॉब की तरफ, अगर ये कैंसिल ना हो तो। कैंसिल हो जाएगी क्योंकि मैंने चार्जिंग आस्ते आस्ते निकालते हुए इसको, एक मिनट जी। तो जनाब जॉब कैसे नहीं हुई है वो जल्दी से करते हैं। जी तो जनाब क्या हाल चाल है, ठीक है। नीचे कमेंट्स में लिखते हैं जनाब वेलकम बैक, हो गया मेरे लिए क्या। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर दें, इसका कोई बिल शिल नहीं आता है जनाब, ठीक हो गया। और ज़बरदस्त हो गया जनाब। तो जनाब क्या बात ही, हम कर रहे थे कि आ गए हैं वापस और काम के बारे में बात करते हैं जनाब। काम 4 मिनट में उस कस्टमर के पास पहुंचूंगा और उससे पहले पहले मैं अपनी बातें ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले हो गया बात होगी काम की। काम जनाब तकरीबन मुझे आए हुए 10 दिन हो गए, ठीक है। 10 दिनों में से तकरीबन 7-8 दिन मुझे काम ठीक अच्छा लगा है और 2-3 दिन मुझे काम जो है ना वो यानी कि कम लगा है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम नहीं है या बंदे को काम नहीं लगता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। 2-3 दिन ऐसे हुए हैं कि वो काम मुझे कम लगा है, यानी कि थोड़ा सा नहीं बोल के काफ़ी ज़्यादा, यानी कि कभी 50% डाउन कभी कभी काम लगा है। जैसे कि नॉर्मल लगता था उससे तकरीबन आधा भी नहीं लगा और शिफ्ट पूरी हो गई, ठीक है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो है ना काम अच्छा है। काम अच्छा मतलब है कि टेस्ला गाड़ी है, शायद इसलिए अच्छा है। लेकिन सुनने में ये आया है जनाब कि जो लेक्सिस वाले हैं ना उनका काम काफ़ी ठंडा है, ठीक है। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा जनाब, कुछ ही थोड़ा ही टाइम बाकी है और काम ठीक हो जाएगा। तो जनाब उसके बाद चार्जिंग की बात करनी थी, टेस्ला की चार्जर जनाब। ओहो देखा ना, आपको बोला था कि दूर है और कैंसिल हो जाएगी, जॉब हो गई कैंसिल और मैं इधर से डन लूँगा और वैसे ही घर जाना था। अगर जॉब हो जाती, एयरपोर्ट की होती थी मेरे ख्याल में ज़्यादातर, अगर मिल जाती तो अच्छा ही था, लेकिन कोई बात नहीं, नसीब की बात होती है, सीधा सीधा बात है। अगर आपका नसीब है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये जॉब हो कैंसिल, हम वापस डन लेते हैं और चलते हैं जनाब
हैं घर की तरफ। चार्जिंग की बात करेंगे, जो टेस्ला का चार्जर या जो इधर ईवी चार्जर है ना, उनका बात करेंगे कि क्या सीन है इनका। जनाब ठीक हो गया। तो जनाब माशाल्लाह टेस्ला के चार्जर थे पहले, वो करते थे, उनके बाद वो हो गए जनाब हमारे लिए बंद लिमोजीन वालों के लिए, और एक ही था वो जो लास्ट एग्जिट वाला था वो करते थे, और अभी तक वो ओपन नहीं आया, उधर ही करते हैं लड़के। और उसके अलावा जो अभी ओपन हो गए हैं दीवा के बहुत सारे चार्जर हैं, ठीक है, वहाँ पर चार्जिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब एडनो के चार्जर हैं, पहले वो फ्री थे, अभी वो पे हो गए हैं, तकरीबन फुल चार्ज कर रहे हैं तो वो तकरीबन लेते हैं मेरे ख्याल में 22-25 दरम तकरीबन इतना लगते हैं, ठीक है, वो भी जनाब कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉइंट्स कम हैं, ज़्यादा पॉइंट होना चाहिए आरआर पेट्रोल पंप के ऊपर, कम अज़ कम 5-5 अगर स्टेशन हों चार्जिंग वाले तो फिर ज़बरदस्त हो जाए, ठीक हो गया। उसके अलावा जनाब एक और जो अभी आ रहा है, बल्कि आ गया है, वो है इटिसलात के चार्जर आ गए हैं जनाब, वो भी काफ़ी जगहों पर लगे हुए हैं, और यानी कि उनका जो है टाइमिंग यानी कि कितने घंटे में वो चार्ज करते हैं वो भी ज़बरदस्त है, यानी कि फास्ट चार्जर है तकरीबन ऑलमोस्ट। तो उसके अलावा जो उनका चार्जिंग का वो आता है, बिल आता है, वो भी तकरीबन जो है ना दीवा से ज़्यादा है, और एडनोक से मेरे ख्याल में वो भी ज़्यादा ही होगा शायद, एडनोक उससे कम है बिल्कुल। तो जनाब उसके अलावा एक और डिवाइस है, पता नहीं जेनिक या जेटिक या ऐसी कुछ एक और वो भी है, वो मैंने इंस्टॉल की हुई है और वो भी आपको दिखाता हूँ। वो भी पहले जो थी वो उनके दो पॉइंट्स लगे हुए हैं, एक सतवा की तरफ है और एक बोलिंग सेंटर में, ठीक है, वो पे है और पहले ठीक था, अभी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। महंगा क्या किया कि मैंने पहले यानी कि 3-4 दिन पहले वहाँ पर चार्जिंग की थी, और हाफ आवर की यानी कि 30 मिनट्स के लिए वो 15-16 दरम लेते थे, और फुल के तकरीबन वो लेते थे 30 दरम, यानी कि वो जो 60 के वी वाला है, और जो 80 के वी वाला है वो एक घंटे के लेते थे वो 40 दरम, अगर हाफ घंटा लगाएंगे तो 20-22 दरम आते थे। लेकिन आज उन्होंने चेंज कर दिया है, और आज मैं जब चार्ज किया हाफ आवर 30 मिनट्स के लिए चार्ज किया, और उन्होंने 31 दरम चार्ज किए हैं, यानी कि जो पूरे घंटे में चार्ज 30 दरम था, और अभी उन्होंने हाफ आवर में यानी कि 30 मिनट्स में उन्होंने एक घंटा जो है ना 30 मिनट्स के उन्होंने 30 दरम काट लिए। तो अगर इतना है यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक घंटे के अगर 50-60 दरम है तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा है ये, यानी कि 30 मिनट्स के उन्होंने 30 दरम काटे हैं अगर, तो वो एक घंटे के वो तकरीबन 55-60 दरम हो ले जाते हैं। पहले था टाइम के हिसाब से था, और अभी वो उन्होंने केवी के हिसाब से कर दिया कि जितना केवी आपकी गाड़ी वो देगी उसी के हिसाब से आपके पैसे काटे जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हुई है कि चार्जिंग पॉइंट्स बहुत सारे लग गए हैं, मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों ने लगा लिए हैं, और अभी थोड़ी आसानी हो गई है, पैसे पे करने पड़ते हैं लेकिन क्या है कि थोड़ा सा मिल जाता है। तो जनाब नेक्स्ट यही उम्मीद है कि आगे हम जो काम है वो भी ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो आगे आ रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आगे पूरे काम के महीने हैं, और इंशाल्लाह काम ठीक होगा। तो जनाब आज के लिए ये काफ़ी था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें जनाब। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, चाचा।